मैं हूं मिंटू। आप देख रहे हैं मिंटू वाली डे एंड टोनी। आज का वीडियो फिर से खास होने वाली है, तो वीडियो को देर नहीं करते हुए आज का वीडियो है हिडन कंपाउंड के ऊपर। बहुत से लोगों का डिमांड होता है कि भैया हिडन कंपाउंड होता क्या है और इसका वर्क क्या है। तो देखिए, बहुत सा लोग क्या करते हैं कि जो हिडन कंपाउंड होता है जो कुछ इस तरह से होता है, जिसको हिडन कंपाउंड कहते हैं, कुछ इस तरह से होता है। इसको लोग सस्ते में लेके और यूज करते हैं, जिसको एमसीपीसीबी के नीचे लगाया जाता है। हम आपको बता रहे हैं किस तरह कहाँ पर हिटसिंग कंपाउंड डुप्लीकेट और मीडियम तरह क्या आता है। अगर आप ओरिजिनल लेते हैं तो क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पर हिटसिंग कंपाउंड का यूज होता है, एमसीपीसीबी और एक टिक्की के बीच में ऐसे व्हाइट कलर का होगा, उसको हिटसिंग कंपाउंड करता है, यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर अगर आप डुप्लीकेट यूज कीजिएगा तो हीट को ऑब्जॉर्व नहीं करके टिक्की को ज्यादा हीट मिलेगा, और जब टिक्की को ज्यादा हीट मिलता है तो एमसीपीसीबी आपका जल जाएगा और फूक जाएगा, इसके बाद रिटर्निंग आ जाता है। बहुत से लोग का यही प्रॉब्लम होता है कि सर रिटर्निंग एमसीपीसीबी क्यों जल जाता है, तो इसके कारण भी है। बहुत से लोकल हीटिंग कंपाउंड ले लेते हैं, जब हम मेरे पास आते हैं तो बोलते हैं सर उसको ए रेट में पड़ेगा, तो बहुत से कहते हैं नहीं सर यहाँ पर तो ये रेट में मिलता है। तो भैया देखिए क्या होता है ना कि रेट तो आपको हीटिंग कंपाउंड का देना है तो अच्छा लीजिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी अगर आप पैसा बचाते हैं वहां पर आपको क्या होगा कि आपको ज्यादा लॉस हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर हीटिंग कंपाउंड में आपको 20 से 25 पैसा ज्यादा लग रहा है लगाने में, और तो आपका एमसीपीसीबी 8 रुपए के बचता है, 7 रुपए के बचता है, जैसा आपका रेट होता है तो वैसा एमसीपीसीबी आपका बचता है। उसके बाद ये हो गया हीटिंग कंपाउंड, उसके लिए जिसमें आपका स्क्रू लगता है। मेरे पास जैसे 1 kg का हीटिंग कंपाउंड का ये बोतल आता है, और हम ये कंपनी से मंगाते हैं, कहीं लोकल वोकल नहीं उठा के लाते हैं, कंपनी से लाते हैं। उसके बाद आता है आपको उस रिजामा जहां पर जिसमें इसमें गामा डीओ भी हो गया या कोई सा एमसीपीसी हो गया जिसमें आपका ये स्क्रू नहीं कर सकता है, उसके लिए लोग ये वाला हिटिंग कंपाउंड यूज कर लेते हैं। ये हिटिंग कंपाउंड आपको सिलिकॉन है, ये हिटिंग कंपाउंड नहीं है, ये सिलिकॉन है, हिटिंग कंपाउंड नहीं इसको बोलते हैं, ये लोग यूज कर लेते हैं। ये लोग ये कहां पर यूज करना है, जहां पर डिफ्यूजर साटना है या तो लोकल बल्ब बनाना है वहां पर इसको यूज करिए। ये नहीं कि ये जिसमें गारंटी देना है उसमें आपको चिपकाना है तो इसको यूज कर लिए, क्योंकि सस्ता आता है, लोग इसी को यूज कर लेते हैं। इसी का देखिए, मेरे पास जब भी आइएगा तो आपको एक ओरिजिनल वाला मिलेगा, थर्मल फेस। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मल कूल कंडीशन सिलिकॉन पेस्ट सिलिकॉन, तो इसको होता है थर्मल के मतलब होता है हीट को ऑब्जॉर्व करना, और ये होता है सिर्फ सिलिकॉन। ये दोनों में आपको अंतर बुझ दिख जाएगा। तो ये चीज होता है महंगा, तो लोग कहते हैं कि सर हमको सस्ता चाहिए, तो देखिए सस्ता लीजिएगा तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो हीट को ऑब्जॉर्व नहीं करता। ये वाला अगर पेस्ट लगाते हैं तो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा जहां पर आपका ये पेस्ट का जरूरत लगाने का जरूरत हो, जहां पर ये स्क्रू नहीं कर सकता, जहां पर स्क्रू कर सकता है वहां पर हीटिंग कंपाउंड लगाइए, ये बेहतरीन है। तो दोनों के ये अलग अलग वर्क होता है। लोग क्या करते हैं कि लोकल वाला ये लगा लेते हैं वहीं पर जहां पर आपको हीटिंग कंपाउंड का जरूरत होता है, हीट का जरूरत होता है। ये डीओबी में लगाइए, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है, या तो एमसीपीसी किसी भी प्लेट को साटने के लिए लगाइए या कुछ और वर्क के लिए इसको लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी सी इसी के चलते आपका रिटर्निंग आ जाता है बल्ब। तो जब आपको बल्ब रिटर्निंग आता है तो कहते हैं लोग कि मेरा ये बल्ब खराब हो गया, ये हो गया। तो देखिए ये सब चीज को ध्यान रखते हुए काम कीजिए, क्योंकि जब भी आप एलईडी में काम करते हैं तो बहुत तरह के आप को लोग मिलेंगे, बहुत तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, तो लोग नए नए को लोग को पता नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। और बहुत से लोग जो नए आते हैं वो सस्ता खोजते हैं कि सर यहाँ सस्ता मिल रहा है, यहाँ सस्ता मिल रहा है। एक्चुअली वैसा कुछ नहीं होता है, जहां सस्ता मिलेगा क्वालिटी डाउन रहेगा, और जहां को ये चूज करना पड़ेगा कि कहां पर प्रोडक्ट के कंटिन्यू वीडियो, कहां पर कंटिन्यू नॉलेज, कहां पर एक चीज शेयर होता है, वहां पर से प्रोडक्ट लीजिए। और मेरे पास जो भी चीज हम बनाते हैं या बताते हैं लोगों को, तो हम अपना रिसर्च करके या उसके बारे में पूरी जानकारी लेके ही वीडियो बनाते हैं, और हर चीज को एक एक चीज को हम बताते हैं, और हर चीज को हम प्रॉपर ढंग से मंगा के या लोगों को सुविधा के अनुसार देना चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर को किसी भी तरह के परेशानी नहीं हो और नहीं दिक्कत हो। तो आप अगर मेरे पास से सामान लेते हैं तो थोड़ी सी रेट हाई हो, लो वाला चाहिए तो लो भी मिल जाएगा, हाई चाहिए हाई मिल जाएगा, आपको जैसा सामान चाहिए वैसा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, क्वालिटी वाला खोजिएगा तो थोड़ी सी हाई हो जाता है। लोग बहुत से लोग कहते हैं एसीडीसी हमको इतना में मिल जाता, इतना मिल जाता। एसीडीसी मेन होता है बैटरी का खेल होता है, उसमें जैसा बैटरी का आप लगाइएगा वैसा हो जाएगा रेट हो जाता है। तो उसमें भी आपका बहुत सा लोगों का रिक्वायरमेंट आता है सर आपका रेट थोड़ी सी हाई है, तो भैया मेरे पास बैटरी का क्वालिटी हाई होता है। थोड़ी थोड़ी सी चीज जानकारी होना चाहिए कि हीटिंग कंपाउंड आपको कहाँ से ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं,
क्योंकि बहुत से लोग तो इसको मायने ही नहीं रखते हैं कि हिटसिंग कंपाउंड हम लगाएं चाहे नहीं लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्चुअली में परेशानी होती है जब आपको रिटर्निंग आएगा तब समझ में आएगा कि हिटसिंग कंपाउंड लगाना में दिक्कत होती है नहीं। बहुत से लोग और क्या करते हैं कि अगर स्क्रू का यहीं पर कसना है तो सिंगल स्क्रू कस देते हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी होता है। जब भी सिंगल स्क्रू कसते हैं तो एक साइड से थोड़ी सी आपकी उठ जाती है, तो जब उठ जाती है MCPCB तो उसके कारण हीट के कारण भी जल जाता है। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज आपको देखना पड़ेगा, जब भी स्क्रू कसें तो दो स्क्रू कसें और टाइट कसें इतना कि बगल में जो भी हीटिंग कंपाउंड आप अंदर में लगाएं वो बाहर की ओर मूव हो जाना चाहिए। तो ये चीज आपको लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपका रिटर्निंग आने से बचेगा। तो अगर आपको वीडियो इस तरह से अच्छा लगता हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी देंगे, तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद।